बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रूस के एक और फाइटर प्लेन को गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने यह दावा किया है, SU-25 को खार्कीव के करीब मार गिराने का यह दावा है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की को लेकर जनरल बख्शी की सोच, जनरल सिन्हा की सोच आपने सुनी है, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उनकी स्ट्रैटेजी सही चल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कीव पर कब्जे की ये जंग में और ये जो बर्बादी चारों तरफ पसर रही है, इसके लिए आखिरकार ज़ेलेंस्की अगर वहां पर हैं नहीं है, इस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे जो परिस्थिति बनी है उसके लिए? क्योंकि आज नेटो से वो कह रहे हैं आप नो फ्लाइंग जोन बनाइए, आप बचाइए हमारे लोगों को। नेटो तो आगे आ नहीं रहा है, इसी नेटो ने उनको कहा था ना कि आपको सदस्य बनाएंगे, सब पीछे हट चुके हैं। जहां तक नेटो का सवाल है, नेटो ने कभी नहीं कहा कि आपको हम सदस्य बनाएंगे। इन्होंने बहुत दिन से एप्लीकेशन दे के रखी थी, उन्होंने कोई इस पर वो नहीं किया। अब जहां तक इस चीज का सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार तो पुतिन ही है। पुतिन ने पहले तो कहा कि मैं जी एक्सरसाइज कर रहा हूं और मैं कोई यहां पे युद्ध नहीं करने जा रहा हूं। फिर उन्होंने डोनबास के एरिया में जो है उसको एरिया को अपने फ्री करके घोषित कर दिया। फिर उन्होंने कहा मैं डिमिलिटराइजर कर रहा हूँ और डिनाजिफिकेशन कर रहा हूँ। डिमिलिटराइज क्या कर रहे हैं, वो तो मिलिटराइज कर रहे हैं। अभी हर एक के हाथ में हथियार आ गया है, वहाँ पे जो सिविलियन है उन्होंने भी ले लिया है। और जहाँ तक बात आती है कि इसमें रिफ्रेंडम होना चाहिए था, पूरी जनता जब अभी ज़ेलेंस्की के साथ है तो इसका मतलब वो चाहते ही नहीं रूस को, वो चाहते हैं फ्री सोसाइटी। और ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है इसको कोई पसंद करता नहीं है। पहले जो वारसा पैक्ट के अंदर में बहुत सारे कंट्री थे वो भी वहाँ से रूस के साथ से हट गए हैं, और अब जो बाकी कंट्री हैं वो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये रशिया सबको धमकाता जा रहा है, फिनलैंड को धमका रहा है कि मैं आपके ऊपर अटैक करूंगा, वो थ्रेटन कर रहा है स्वीडन को, जो भी कहता है सबको। और जहां तक नो फ्लाई जोन करने का ये सवाल है, तो इसमें जो नेटो और अमेरिका अच्छा ही कर रहे हैं, अगर वो नो फ्लाई जोन घोषित करते हैं तो वहां पर उनको रक्षा करनी पड़ेगी उस जोन की। अगर रशिया का कोई वहाँ पे प्लेन एंटर होता है, कोई भी चीज़ एंटर होती है, तो उसको मार के गिराना पड़ेगा, तो इसका मतलब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और यही ज़ेलेंस्की जो ही पुतिन ने पहले कहा था कि नेटो की सेना हमसे बड़ी है, इसलिए शुरू में ही युद्ध होने से पहले उसने कहा था पुतिन ने, अगर नेटो इसके अंदर में आती है तो ये हमको परमाणु हम हथियार यूज करेंगे। बिल्कुल, इसी पर मेरा अगला सवाल है आपसे जल्दी से, क्या ये न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ेगा जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं? जो एटीट्यूड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर एक के बाद एक जो एटीट्यूड और जो जिद पुतिन की है, और उनका एक बबल है, बहुत थोड़े लोग उनके साथ में हैं जिनके से सलाह करते हैं और वो एक यस सुनना चाहते हैं। उनका जो चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर था उसने कहा था कि युद्ध ना करो अभी, उसको उन्होंने सरेआम टीवी पे दिखाया गया था, उनको डांट दिया था। तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, डेस्परेशन में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियर थ्रेट या न्यूक्लियर चीजें उन्होंने TU-22 जो एक विमान है और जो परमाणु हथियार ले जा सकता है उसको फ्लाई करा दिया है, उसके ऊपर में उड़ रहा था वो यूक्रेन के, तो उनका जो जहां भी डेस्परेशन होगा तो वो न्यूक्लियर युद्ध से हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है।